हम बात कर रहे हैं BCG की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको छोटी मोटी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 17 रुपये और 17 रुपये 20 पैसे तक के टारगेट को हमने डिस्कस किया था। वहाँ तक के क्यों किया था हमने डिस्कस दोस्तों, तो हम देख तो चार्ट के इस तरफ हम देखते हैं, जिस लेवल से स्टॉक ने इससे पहले रिजेक्शन फेस करके गिरावट दिखाई थी और बाउंस बैक हुआ था, तो इस लेवल पे स्टॉक रिजेक्शन फेस करने वाला था, इसके रेजिस्टेंस का काम करने वाला था 17 रुपये और 17 रुपये 20 पैसे का लेवल। इसीलिए हमने यहाँ तक के टारगेट को डिस्कस किया था। स्टॉक ने वहाँ तक के टारगेट दिखाए और 17 रुपये 17 रुपये 20 पैसे के लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिली है। लेकिन इस सेलिंग के साथ एक बात नोटिस करो दोस्तों, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था इससे पहले गिरावट दिखाई थी 15 रुपये 80 पैसे के लेवल से हमको गिरावट देखने के लिए मिली थी, 14 रुपये 70 पैसे 14 रुपये 80 पैसे तक की गिरावट देखने के लिए मिली थी। उसी लेवल को अब सपोर्ट बनाकर काम करता नज़र आ रहा है नीचे की ओर। इस सपोर्ट को स्टॉक ने अब तक ब्रेक डाउन नहीं किया, अगर ब्रेक डाउन कर जाता तो हमारा लो और लो पैटर्न होता, लेकिन जंप पे आपने हाई को ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है। हम देख सकते हैं 13 रुपये 80 पैसे 14 रुपये के लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है, लेकिन इस रिकवरी के बाद हमको इस लेवल पर अब तक बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिला, हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगर स्टॉक 15 रुपये 80 पैसे के सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर 15 रुपये तक की गिरावट हमको दिखा सकता है, और 15 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो आखिरी सपोर्ट जहाँ से स्टॉक ने गिरावट के साथ बाउंस बैक दिखाया 13 रुपये 50 पैसे का रहेगा। स्टॉक को यहाँ से बाउंस बैक अगर होता है तो अब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 16 रुपये 50 पैसे के लेवल पर, इसको ब्रेकआउट कर गया तो अगला और तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 17 रुपये 20 पैसे का लेवल। BCG इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर बड़ी तेज़ी हमको दिखा सकता है, फिर हमको 20 रुपये तक के टारगेट BCG में शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन के साथ गिरावट दिखाई है 20 रुपये का जो लेवल है फिर इसके तगड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके आसपास फिर फ्रेश बाइंग अवॉइड करना ठीक रहेगी। हम देख सकते हैं कितना बड़ा सेलिंग यहाँ हमको देखने के लिए मिला है, तब थोड़ा सा इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा। स्टॉक के ब्रेकआउट पर पोजीशन बनाई जा सकती है सेफ एंट्री के लिए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।